बैंगलोर धमाके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, 24 घंटे के अंदर जुटा ली जाएगी ब्लास्ट की सारी जानकारी, केंद्र हर संभव मदद देने को तैयार। जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उनको मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है तो वह असिस्टेंस हम प्रोवाइड करने को पूरी तरह से तैयार हैं। राजनाथ ने कर्नाटक सरकार से की अपील, बैंगलोर में लगाए जाए सीसीटीवी कैमरे। गृह मंत्री ने कहा जरूरत पड़ी तो एनआईए से कराई जाएगी जांच। हमारी स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत इस समय एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन हम लोग करेंगे। बैंगलोर में कल हुआ था आतंकी हमला, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने की पुष्टि, कहा देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को किया गया अलर्ट। Are you calling it a terror attack? Definitely, it's a terror attack. Yeah. गृह मंत्रालय ने आतंकी हमले में सिमी कनेक्शन का जाहिर किया शक, एनआईए को जांच सौंपने के संकेत, पहले के धमाकों की जांच कर रही है एनआईए। बैंगलोर धमाके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की, एनआईए एनएसए अजीत डोवाल, गृह सचिव और आईबी चीफ समेत कई अधिकारी थे मौजूद। बैंगलोर धमाके को लेकर कानून मंत्री सदानंद गौड़ा और रसायन मंत्री अनंत कुमार गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, हालात पर की चर्चा। बैंगलोर में भी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अधिकारियों के साथ की बैठक, राज्य के गृह मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी इंटेलिजेंस के साथ हालात पर की चर्चा। घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है बैंगलोर पुलिस, हैदराबाद और चेन्नई भेजी गई जांच टीम। बैंगलोर पुलिस के मुताबिक धमाके में आईडी का इस्तेमाल, मौके से मिले एल्यूमिनियम पाइप के टुकड़े, एक बैटरी भी। कल रात हुए धमाके में हुई थी एक महिला की मौत, 5 लोग हुए थे जख्मी, 2 गमलों के बीच अखबार और एक सफेद कपड़े में लपेट कर रखा गया था बम। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज अस्पताल में ब्लास्ट के घायलों से मिले, हालात की जानकारी ली, इलाज के लिए सरकार के सहयोग का भरोसा दिलाया। मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड जेल से छूट सकता है, मुंबई हमले का गुनहगार लखवी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की हिरासत का नोटिफिकेशन। असम पुलिस ने बरामद की कोकराझार आतंकी हमले में इस्तेमाल गाड़ी, जंगल में गाड़ी छोड़कर भागे थे एनडीएफबीएस के आतंकी। सोनितपुर और कोकराझार में आतंकी हमले में 70 से ज्यादा आदिवासियों की हुई थी मौत। असम में आतंकी हमले के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ से मिले खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, हमले के बाद 2 लाख विस्थापित लोगों की सुरक्षा को लेकर की बात। शिवसेना की सरकार को नसीहत, कहा जैसे अमेरिका ने की ओसामा पर कार्रवाई वैसे भारत दाऊद पर दिखाए अपनी ताकत, सामना में लिखा संपादकीय। महाराष्ट्र सरकार ने नेताओं की सुरक्षा घटाने का किया फैसला, जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी को वाई और एक्स कैटेगरी में किया जाएगा डाउनग्रेड, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी घटाई अपनी सुरक्षा। दिल्ली समेत एनसीआर में छाया घना कोहरा, हालांकि कल के मुकाबले ठंड में थोड़ी राहत, 7 डिग्री सेल्सियस है तापमान।
कोहरे से वाहन चालकों को हो रही है खासी परेशानी। कोहरे के चलते रास्ता भी भटके कुछ वाहन चालक 5-10 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटे भर का लग रहा है वक्त। रेल सेवा और उड़ानों पर भी पड़ा कोहरे का असर, 74 ट्रेनें लेट, 20 ट्रेनों को किया गया रीशेड्यूल्ड। ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे बुजुर्ग और बच्चे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसा ही बना रहेगा मौसम का मिजाज, कुछ दिनों तक जारी रहेगा कोहरा और ठंड का सितम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ठंड से एक मजदूर की मौत, बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, नहीं बच पाई जान। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी, रैन बसेरे और अलाव का बंदोबस्त सही नहीं। जान गए हैं, जला के जाओ अपने ढंग से, अपने थोड़ी देर रुक के, या तो फिर लकड़ी डाल के देख के जाओ कौन उठाता कौन नहीं उठाता। रोहतक में कल शाम से ही छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी जीरो होने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। ऋषिकेश में बर्फबारी के बाद अब कोहरे से बड़ी मुश्किल, सुबह देर से खुलते हैं बाजार और शाम को जल्दी हो जाते हैं बंद। कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अभी भी कशमकश जारी, पीडीपी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कर रही है बात। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी बीजेपी से दो बिंदुओं पर चाहती है भरोसा, 6 साल के लिए मुख्यमंत्री पद और अनुच्छेद 370 की यथास्थिति बरकरार रखने का मुद्दा। कांग्रेस ने बिना शर्त पीडीपी को समर्थन का किया है ऐलान, लेकिन दोनों के योग से नहीं पूरा हो रहा है बहुमत का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में आज बढ़ सकती है लेफ्ट की मुश्किल, 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या पर ममता सरकार आज पेश करेगी रिपोर्ट। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस की गोली के का शिकार हुए थे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, सत्ता में आने पर ममता ने जांच कमेटी का किया था गठन। दिल्ली के बवाना में केजरीवाल की सभा में हंगामा, लोगों की हूटिंग के बीच केजरीवाल को छोड़ना पड़ा भाषण। विरोधियों के खिलाफ भाषा पर संयम नहीं रख सके केजरीवाल, हंगामा करने वालों से बोले तुम्हारे मां बाप बीजेपी में बैठे हैं। मां बाप बैठते हैं ना बीजेपी में, ये तुम्हारे बिजली के बिल कम नहीं करने वाले, ये तुम्हारे तुम्हारे काम नहीं आएंगे सुख दुख में। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर प्रचार में करोड़ों का खर्च करने का लगाया आरोप, कहा हर महीने 35 करोड़ रुपए खर्च कर रही है पार्टी। निकलता का आप लोग कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, ये दुनिया में पहली मरतबा हो रहा है कि जो भ्रष्ट है उनके पास अपनी चुनाव के एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं है और जो ईमानदार है उनके पास पैसे की कमी नहीं है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने आजम खान को बताया अवसाद से ग्रस्त, कहा बरेली या आगरा में कराएं इलाज। साक्षी महाराज को संत नहीं मानने से आजम खान से खफा है योगी आदित्यनाथ। के उस पर उन्हें करना है जी, कोई बेयाद बात करता हो जी तो मुझे लगता है कि उस हर अवसाद ग्रसित व्यक्ति के हर प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाता, उसके लिए आगरा और बरेली के हॉस्पिटल बने हुए। राहुल के चुनाव क्षेत्र अमेठी में सेंध लगाने में जुटी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया की मौजूदगी में कारोबारी राजेश मसाला बीजेपी में शामिल। राहुल गांधी अपनी गिरेबान झांक कर देखें कि 10 साल तक वीआईपी सीट बनाने के बाद अमेठी कस्बे के लोगों को घरों में टोंटी का पेयजल स्वच्छ पेयजल सप्लाई नहीं कराते, किस मुंह में आके सांसदी कर रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ली 250 रनों से ज्यादा की बढ़त, 6 विकेट पर 205 रन।
पर डटे हैं मार्श और हेडन। ओपनर रॉजर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 69 रन। वार्नर 40 रन बनाकर लौटे पवेलियन। मिशेल जॉनसन भी अब क्रीज पर। ईशांत शर्मा और अश्विन ने लिए दो दो विकेट। उमेश यादव ने भी किया एक शिकार। मेलबर्न में पहली पारी में टीम इंडिया आज 465 रन पर हुई ऑल आउट। ईशांत और उमेश यादव बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से हैरिस ने 4, जॉनसन ने 3 विकेट झटके। लियोन को 2, वॉटसन को 1 विकेट मिला।